हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। एकता कपूर की फेमस नागिन सीरीज शुरुआत से ही लोगों को अपने साथ बांधे हुए है। यही वजह है कि अब नागिन 5 कलर्स टीवी के पॉपुलर शोज में से एक है, जिसमें शरद, सुरभि चंदना और मोहित की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आती है। तो वहीं तीनों का ऑफ एयर बॉन्ड इतना खास है कि लोगों के बीच हमेशा सुर्खियां बटोर लेता है। बात अगर शो में वीर के पावरफुल किरदार शरद मल्होत्रा की करें तो वो लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस किरदार के लिए शरद मल्होत्रा से पहले निर्माताओं की पसंद कौन कौन था? दरअसल शो की शुरुआत से पहले मेकर्स वीर के किरदार में जैन इमाम को देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो तब एक सुपर नेचुरल शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और कुछ अलग करना चाहते थे। हर्षद चोपड़ा, जैन इमाम के बाद ये किरदार हर्षद चोपड़ा को ऑफर किया गया था, लेकिन उस दौरान हर्षद अपने और प्रोजेक्ट्स के कमिटमेंट्स के चलते इस शो का हिस्सा नहीं बन सके। निशांत मलखानी, नागिन में वीर के किरदार को लेकर मेकर्स ने निशांत से भी बात की थी, लेकिन उस वक्त निशांत अपने शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में व्यस्त थे और उनके पास तब कोई डेट नहीं थी। इसके अलावा वो बिग बॉस सीजन 14 में भी हिस्सा लेने वाले थे। करण वाही को भी ये भूमिका देने को लेकर विचार किया गया था और लगभग करण वाही को इस रोल के लिए फाइनल भी कर लिया गया था, लेकिन आखिर में मेकर्स ने इसे लेकर अपना फैसला बदल दिया, जिसके बाद वो शो का हिस्सा नहीं बन पाए। धीरज धूपर, यूं तो धीरज धूपर को आपने नागिन 5 का हिस्सा बनते शुरुआत में ही देख लिया था, जहां उन्होंने आकाश की भूमिका निभाई थी, लेकिन निर्माता चाहते थे कि वो इस शो में कैमियो रोल ना निभाकर शो में मुख्य किरदार की भूमिका निभाएं, लेकिन अपने शो कुंडली भाग्य के लिए अपने कमिटमेंट्स के चलते वो इस शो का हिस्सा ज्यादा दिनों तक नहीं बन पाए, जिसके बाद आखिरी में ये भूमिका शरद मल्होत्रा को मिली। और अगर फैंस की बात करें तो वो भी सुरभि के साथ शरद की जोड़ी ऑफ स्क्रीन हो या फिर ऑन स्क्रीन, दोनों को ही काफी पसंद करते हैं।